नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। शाम की इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें होती हैं जो अभ्यर्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें सही और सटीक, सबसे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा नहीं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। अभ्यर्थियों ने जताई रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका। सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे। रविवार को ईमेल के जरिए अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा। आरोप है कि चयनितों की सूची में काफ़ी गड़बड़ी है, यही कारण है कि दो बार रिजल्ट जारी होने के बावजूद 195 पद अभी भी खाली हैं, जबकि कई योग्य अभ्यर्थियों को असफल कर दिया गया है। अभ्यर्थी अध्यक्ष से रिजल्ट को पुनः संशोधित करके जारी करने की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिणाम 16 मई 2019 को जारी किया था। इसमें सिर्फ 340 को बुलाया। 7 सितंबर 2019 को रिजल्ट में 116 चयनित हुए। 26 सितंबर को संशोधित रिजल्ट में 26 अभ्यर्थियों को और चयनित किया गया। तो अभ्यर्थी इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे क्योंकि 195 पद अभी खाली हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि पुनः जाँच की जाए। बहुत से ऐसे योग्य अभ्यर्थी हैं जिनको आयोग जानबूझकर घोषित किया गया है या किसी कारण से घोषित हो गए हैं, तो एक बार जांच हो जाए तो 195 पद जो खाली हैं उस पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से अभ्यर्थी मुलाकात करेंगे। बुधवार का समय मांगा है। अब देखिए बुधवार को वार्ता में क्या होता है। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, बस आपको इंतजार करना होगा। अगर जानकारी सटीक मिलेगी तभी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आज की दूसरी ताज़ा खबर महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती को लेकर है। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस बोर्ड ने महिला कांस्टेबल के 1350 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन का अध्ययन जरूर करें। इस भर्ती में शैक्षिक योग्यता 10वीं पास के साथ साथ अन्य योग्यताएँ भी शामिल हैं। भर्ती में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जम्मू एवं कश्मीर पुलिस बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का आधिकारिक वेबसाइट जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है www.jkpolice.gov.in, इस पर जाएं, नोटिफिकेशन इसी के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2019 निर्धारित की गई है, तो 22 अक्टूबर 2019 के पहले आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। आज की तीसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। चयन बोर्ड के खिलाफ आंदोलन को तैयार युवा मंच। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तमाम भर्तियां लंबित होने से नाराज युवा मंच ने चयन बोर्ड के खिलाफ व्यापक पैमाने पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार 3 अक्टूबर 2019 को छात्र संघ भवन के बाहर बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी, उसके बाद ही आंदोलन शुरू होगा। तो 3 अक्टूबर को रणनीति बन जाएगी किस तारीख से आंदोलन शुरू होगा। यह आंदोलन लंबित भर्तियों को लेकर हो रहा है क्योंकि तमाम भर्तियां लंबित हैं, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी नाराज हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से दुखी हो गए हैं, जिसके कारण यह आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आप सभी भी इस आंदोलन का हिस्सा बने अगर आपकी भर्तियां लंबित है, क्योंकि परिणाम ज़्यादा समय तक लंबित नहीं होना चाहिए, और इसके समर्थन में युवा मंच है। आज की चौथी ताज़ा खबर रोडवेज की है। रोडवेज में परिचालक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, आवेदन भी शुरू है। अगर आपके पास इन पदों के हेतु शैक्षिक योग्यता मौजूद है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रोडवेज ने मेरठ क्षेत्र के लिए संविदा परिचालकों की भर्ती निकाली है। आरएम नीरज सक्सेना ने बताया है कि आवेदन 30 सितंबर 2019 से 6 अक्टूबर 2019 तक किए जा सकते हैं। 162 परिचालक पद भरने के लिए योग्यता इंटरमीडिएट के साथ एनसीसी बी ग्रेड या आईटीआई का सर्टिफिकेट है। भूतपूर्व सैनिक और मृतक आश्रितों को भी मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट www.upsrtc.com है, इस पर जाएं और आवेदन जरूर करें। इस ज़माने में गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। देखिए, आप परमानेंट जॉब हो या संविदा की जॉब हो, ठीक है, अस्थाई हो या अस्थाई हो, आपको आवेदन जरूर करना चाहिए अगर आपके पास योग्यता है। आप आज सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यूपी में नौकरी देने की बात चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं
के लिए कुछ नहीं सूझ रहा है किसी को कि उत्तर प्रदेश की युवा कितने बेरोजगार पड़े हैं, घूम रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, इलाहाबाद लखनऊ तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। बस दूसरे राज्य के युवाओं को उत्तर प्रदेश में जॉब दिया जाए और उत्तर प्रदेश के युवा चाहे कटोरा लेके हाथ हिलाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग कोई नौकरी पाएं तो ज़रूर आवेदन करें, आपके पास सुनहरा मौका वही है। संविदा पे हों या जो है परमानेंट हों, कुछ भी हों, अस्थाई हों या अस्थाई हों, लेकिन आप आवेदन ज़रूर करें। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसी स्थिति भविष्य में होगी कि कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जिनको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं परमानेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँगा, वे ऐसा कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। मैं तो किसी को रिस्क लेने के लिए नहीं कहता हूँ। आज की पांचवी ताज़ा खबर 49,568 पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर है। 49,568 पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 49,568 भर्ती परीक्षा परिणाम 20 अक्टूबर 2019 के पहले कभी भी घोषित किया जा सकता है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन में जुटा है। परीक्षा एजेंसी का चयन नवंबर तक किसी भी हाल में कर लिया जाएगा और जनवरी या फरवरी 2020 में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप सभी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 49,568 पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम 20 अक्टूबर के पहले कभी भी घोषित हो सकता है, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच कभी भी आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें, जिसको यह कॉन्फिडेंस है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना वह फिजिकल की तैयारी शुरू किए रहे और आप इसमें सफल हों, मेरी ईश्वर से यही कामना है। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आज की छठवीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। UPPCA 2018 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने UPPCA 2018 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया है कि UPPCA 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू करके पुनः संशोधित परिणाम जारी किया जाए। UPPCA 2018 के मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ होनी है। संभावना यह जताई जा रही है कि 18 अक्टूबर 2019 की मुख्य परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई है, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। जैसे इसके बारे में कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी मुख्य परीक्षा के संबंध में, मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मामला डबल बेंच भी जा सकता है। अगर डबल बेंच में जाएगा तो एकदम निश्चित है कि 18 अक्टूबर 2019 की परीक्षा तिथि में परिवर्तन होना। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निर्णय लेगा। अब क्या निर्णय लेता है, जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।